नमस्कार, मैं भरत साधु रामदल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामदल चैनल जन जन को, घर घर को वैदिक धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ एवं सनातन धर्म के मूलतः परंपराओं, मूलतः संप्रदाय के साथ जोड़ने का अद्भुत प्रयास कर रहा है। हमारी भारतवर्ष की जब परिस्थिति भयंकर थी, भयावह थी, उस समय जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी न होते तो हिंदू धर्म बचा न होता। विधर्मयो आक्रांताओं के माध्यम से सनातन संस्कृति को, वैदिक सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। हमारे मठ मंदिर एवं गुरुकुलों को नष्ट किए जा रहे थे, हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा था। तब जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का शंखनाद हुआ और भारतवर्ष में फिर से सनातन संस्कृति का जयघोष हुआ। आज हम रामानंदीय परंपरा की बात कर रहे हैं, वो रामानंदीय परंपरा जिसने इस जगत को उत्थान एवं जीव मात्र के कल्याण की बातें रखी, नींव रखी। जब जगतगुरु रामानंदाचार्य जी थे तब मुस्लिम आक्रांताओं, मोगल आक्रांताओं के द्वारा धर्मांतरण हो रहा था, साथ में सेव वैष्णव के सुआसूत, ये सब जो भी हमारे धर्म को तोड़ने के लिए जो भेदभाव चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, उनको सबको मिटाने का कार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे वो हरि का होई, यह सूत्र जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का था। गुरु रामानंदाचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तब हमारे भारतवर्ष की परिस्थिति भयावह थी। तत्कालीन समाज में विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में घोर वैमनस्यता थी, कटुता थी। उनको दूर करते हुए हिंदू समाज को एक सूत्रता में पिरोने का महान कार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानते हुए सरल राम भक्ति का मार्ग का निर्देशन किया। उनके शिष्य मंडली के द्वारा कबीरदास जी, रैयादास जी, सेन जी, पिपा जी, वैदिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा विरोधी निर्गुणवाद संत को भी झुका दिया। अवतारवाद के पूर्ण समर्थक अर्चावतार मानकर मूर्ति पूजा करने वाले अनंतानंद जी, भावानंद जी, सुरसुरानंद जी, नरहरियानंद जी, सगुणोपासक आचार्य भक्त भी थे। इसी परंपरा में कृष्णदास परिहारी जैसे तेजस्वी साधक और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे विश्व विशुद्ध महाकवि भी उत्पन्न हुए। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के बारे में प्रसिद्ध है कि तारक मंत्र का उपदेश उन्होंने पेड़ पर चढ़कर दिया था ताकि सब जाति के लोग के कान में पड़े और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। आचार्य पद स्वतंत्र रूप से श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उन्होंने किसी भी जाति वर्ण को राम मंत्र देने में संकोच नहीं किया। शर्मकार जाति में जन्मे रैयादास जी और जुलाहे के घर चले बड़े कबीरदास जी उसके अनुपम उदाहरण है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का व्यक्तित्व का प्रभाव था कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य सेव वैष्णव विवाद, वर्ण विदेश, मत मतांतर का झगड़ा और परस्पर सामाजिक कटुता बहुत हद तक कम हो गई। उन्हीं के साथ उनकी योग शक्ति के चमत्कार से प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद तुगलक संत कबीरदास के माध्यम से जगतगुरु के शरण में आए और हिंदुओं पर लगे समस्त प्रतिबंध और जजिया कर को हटाने का निर्देश जारी कर दिया था। बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने का कार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का पंचगंगा घाट काशी से शंखनाद हुआ, जो भारत वर्ष में मुस्लिम आक्रांता को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक ही शंखनाद से मुगल सल्तनत झुक गई, वो तुगलक बादशाह भी झुक गया और हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की बातों को स्वीकार किया गया। एवं जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने उस काल में हमारे हिंदू धर्म से छूटे हुए, धर्मांतरित किए गए हुए
सभी को वापस हिंदू धर्म में लिया गया। तो रामानंदीय परंपरा का जो योगदान सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक धर्म को बचाने के लिए दिया गया है, वो महत्वपूर्ण है। आज कुछ कथा कथित पंथ धर्म के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो सर्वोपरि बनने निकले। व्यक्तिवाद चल रहा है, व्यक्ति पूजा चल रही है, लेकिन हमारे जगतगुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने कभी व्यक्ति पूजा ये नहीं करवाई। जगतगुरु रामानंद आचार्य जी पूरा भारतवर्ष भ्रमण करते हुए सनातन धर्म को बचाने हेतु मठ पीठ मंदिरों की स्थापना की गई। आज भारतवर्ष के हर जगह में, हर गांव में, हर शहर में जो रामजी मंदिर मिलता है वो हमारे जगतगुरु की देन है। आज श्री पंच गंगा घाट से भी वर्तमान के जगतगुरु राम नरेशाचार्य जी भी सनातन धर्म को बचाने हेतु, सनातन धर्म को मजबूत बनाने हेतु आज भी धर्म प्रसार प्रसार कर रहे। आइए हम जगत को, हम जन जन को हमारी रामानंदी परंपराओं के साथ जोड़े। गुरु रामानंदाचार्य जी ने श्रीमठ का गृह साधन स्थली में प्रविष्ट हो राम मंत्र का अनुष्ठान, अन्य तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग करते हुए घोर तपस्या की, योग विद्या की तमाम गुत्थियों का सुलझाते हुए उन्होंने अष्टांग योग की साधना पूर्ण की थी। दीर्घायुष प्राप्त करने के कारण जगतगुरु राघवाचार्य जी ने प्रिय शिष्य रामानंद जी को श्रीमठ पीठ की पावन पीठ का अभिषेक कर दिया था। अपने पहले संबोधन में ही जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरूतियों एवं अंधविश्वास को दूर करने का, परस्पर आत्मीयता एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार की बदौलत धर्म रक्षार्थ विराट संगठित शक्ति खड़ी की करने का संकल्प व्यक्त किया था। काशी में परम पावन पंचगंगा घाट से अवस्थित श्रीमठ आचार्य पाद के द्वारा प्रवाहित श्री राम प्रपदित की पावन धारा के मुख्य केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होकर उसी ओजस्वी परंपरा का अनवरतन परिवर्तन कर रहा है। यही वह दिव्य स्थल है जहां से विराजमान होकर जगतगुरु अपने परम प्रतापी शिष्यों के माध्यम से अपनी अनुग्रह शक्ति का उपयोग किया था। रामानंदाचार्य जी पीठ का पवित्र केंद्र सारे देश में फैले रामानंद संप्रदाय का मुख्यालय श्रीमठ में अवस्थित रामानंदाचार्य जी के चरण पादुका दुनिया भर में बिखरे रामानंदी संतों, तपस्वियों एवं अनुयायियों के श्रद्धा का अन्यतम बिंदु है। श्री वैष्णव के षडाक्षर मंत्र को सांप्रदायिक दीक्षा का बीज मंत्र माना, बाह्य सदाचार की अपेक्षा साधना में आंतरिक भाव की शुद्धता का जोर दिया, सुवासुत ऊंच नीच का भाव मिटाकर वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया, नवधा से प्रहरा और प्रेम आसक्ति श्रेय कर बताया, साथ साथ सिद्धांतों के प्रचार में परंपरा पोषित संस्कृत भाषा की अपेक्षा हिंदी अथवा जनभाषा को प्राथमिकता दी। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी प्रस्थानंत्री पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत गुणस्त्र भाष्य की रचना की, तत्व एवं आचार बोध की दृष्टि से वैष्णव मतांबर भास्कर श्री रामचरण पद्धति ब्रह्म सुदानंद भाष्य आदि अनेक कालजयी मौलिक ग्रंथों की रचना जगतगुरु के रामानंदाचार्य जी द्वारा इस देश को दी गई। धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओं ने सभी संप्रदाय के वैष्णवों के हृदय में उनका महत्व स्थापित कर दी। श्रीमठ काशी बनारस में रामानंद संप्रदाय का, रामानंदी परंपरा का मुख्यालय है। आज वर्तमान में जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम नरेशाचार्य जी धर्म प्रसार प्रसार करते हुए आज हमारे रामानंदीय परंपरा को, रामानंद संप्रदाय को जन जन को तक पहुंचाने, घर घर तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे जगतगुरु राम नरेशाचार्य जी चातुर्मास के द्वारा सभी विस्तारों में धर्म प्रसार प्रसार करते हुए जगतगुरु रामानंद संप्रदाय का प्रसार प्रसार कर रहे हैं। वर्तमान गादीपति को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए एवं अब वर्तमान में जगतगुरुओं को एवं पीठ मठ मंदिरों को एक सूत्रता में लाकर हमें जन जन को, घर घर को फिर से रामानंदीय परंपरा के साथ जोड़ना चाहिए। आइए हम जन जन को, घर घर को फिर से सनातन संस्कृति की ओर लेकर चले, वैदिक धर्म की ओर लेकर चले। सनातन संप्रदाय जो अनादि है, श्री संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, ए वैष्णव संप्रदाय यानी कि रामदल,
रामदल ने ही भारतवर्ष में रामानंदीय परंपरा को, वैष्णव संप्रदाय को स्थापित किया है। हमारे सनातन धर्म में रामदल एवं शंभुदल का महत्व है। ये दोनों दलों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा की गई है।